तो आज का सेशन जो मुझे दिया गया है सेल्फ मैनेजमेंट। हमने इंडस्ट्रीज में, अपने यूनिवर्सिटीज में, स्कूल कॉलेजेस में तमाम तरह की मैनेजमेंट पढ़ी है और इंडस्ट्रीज में अप्लाई भी की है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी होगी, मेटल्स मैनेजमेंट करी होगी, है ना, इस तरीके से बहुत अलग अलग तरह की मैनेजमेंट पे सब्जेक्ट पे पढ़ा है और अप्लाई किया है। लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ना किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कराया जाता है। सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन हमें हमारे जीवन को संभालने के लिए, आगे चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सेल्फ मैनेजमेंट की है, क्योंकि ये तो मदर ऑफ ऑल मैनेजमेंट्स है। लेकिन फिर भी ना कहीं पढ़ाई, ना सिखाई, ना अप्लाई कराई जाती है। तो इसलिए हम बात करेंगे आज सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट शब्द को हम समझें उससे पहले हम अपने जीवन को समझते हैं कि आज हमने इमारतें तो बहुत ऊंची कर ली हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स का आजकल जमाना है ना, तो इमारतें तो बहुत ऊंची बना ली है लेकिन हमने अपना दिल छोटा कर लिया है। हमने रास्ते तो बहुत चौड़े कर लिए हैं, हाईवे, एक्सप्रेसवे और कौन कौन से वेज बना दिए हैं, परंतु देखने का नजरिया हमने अपना तंग कर लिया है। आज हम खर्च ज्यादा करते हैं परंतु उसमें फिर भी आनंद नहीं आता। आज हमारे पास मकान बड़े हैं लेकिन घर छोटे हैं, परिवार छोटा है। हमारे पास समय की कमी है इसलिए समझौते ज्यादा है। हमारे पास ज्ञान अधिक है लेकिन निर्णय लेने की क्षमता कम है। एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, डिग्रीज सबके पास ज्यादा से ज्यादा हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर ये कम हो गई है। हमारे पास दवाएं अधिक हैं लेकिन स्वास्थ्य कम है। हमने अपने साधन कई गुना बढ़ा लिए हैं लेकिन मूल्य, वैल्यूज लाइफ में कम कर ली है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है सेल्फ मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को समझने की। आज हम बातें ज्यादा करते हैं, प्यार थोड़ा और नफरत अधिक। हम लोग चांद पर हो आए हैं लेकिन पड़ोसी के घर जाने में हमें कई कई महीने हो जाते हैं। पड़ोस में रहता कौन है हम जानते भी नहीं है। तो आज हम चांद पर हो आए हैं लेकिन हमें पड़ोसी का पता नहीं है। हमने अंतरिक्ष पर विजय हासिल कर ली है लेकिन अंतरात्मा पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। समझ रहे? हमने अंतरिक्ष पर विजय हासिल कर ली है लेकिन अंतरात्मा तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है हम सेल्फ मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पर बात करें, इसे समझें। हमारी आमदनी अधिक है लेकिन नैतिकता कम है, स्वतंत्रता अधिक है लेकिन खुशियां कम है, भोजन अधिक है लेकिन पोषण कम है। खाने को तो बहुत चीजें हैं लेकिन लगती नहीं है। फिर भी आज घर में तनख्वाहें तो दो आती हैं लेकिन सामंजस्य कम हुआ है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन कम हुआ है। आज मकान अच्छे बन रहे हैं लेकिन घर टूट रहे हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है हम सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बात करें। तो आइए आज से हम अपना सुखी जीवन प्रारंभ करते हैं। हमें कोई भी वस्तु किसी भी विशेष दिन के लिए नहीं सहेज के रखनी कि ऐसा होगा तब हम खुशी मनाएंगे, बर्थडे आएगा तो हम ऐसा कुछ नया रेजोल्यूशन लेंगे, नया साल आएगा तो हम ऐसा कुछ रेजोल्यूशन लेंगे। तो कोई भी वस्तु किसी भी प्रत्येक विशेष दिन के लिए नहीं रखनी क्योंकि हर दिन विशेष है। हम ज्ञान की खोज करें, अधिक से अधिक अध्ययन करें, अपनी आवश्यकताओं से ध्यान हटाकर नेचर की तरफ देखें, प्रकृति की तरफ देखें, अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करें, अपनी पसंद का भोजन करें और अपनी पसंद की जगह घूमने अवश्य जाएं। जिंदगी सिर्फ जीवन ही नहीं, खुशी के क्षणों की एक श्रृंखला है। तो हम अपने परिवार को, दोस्तों को यह एहसास कराएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और खुशी के भी एक पल को गंवाएं नहीं, क्योंकि प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं आज। इन सब चीजों को समझते हुए हमारी आज की प्रेजेंटेशन के कुछ एम्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं कि कैसे हम अपने विचारों पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखें, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है ना, जो थॉट्स हैं, ये सीड है, वो बीज है जिससे हम हर कार्य करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हम बनते हैं, और फिर वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है और वही फिर हमारा ऑरा बन जाता है। तो हम अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बनाएं, ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन का एक एम है। दूसरा, हम अपने रिलेशनशिप में कैसे बेहतर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रखें, ये हमारा प्रेजेंटेशन का आज का दूसरा एम होगा।
और तीसरा कैसे ज्यादा से ज्यादा हम जिम्मेवारी उठाएं। आज हम देखते हैं भले घर में हो, भले समाज में हो, भले संस्थान में हो, आदमी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहता। टीम मेंबर तो हर कोई बन जाता है, लेकिन लीडर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लोग उठाते हैं। तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी उठाते हुए भी हल्के रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाइट रहें, ये एक आर्ट है, ये हम आज की इस प्रेजेंटेशन में सीखेंगे। तो हमने बात करी कि क्यों जरूरत है सेल्फ मैनेजमेंट की, सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्या सिखाएगा, क्या एम है आज की प्रेजेंटेशन के, वो हमने बात करे। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट शुरू कब हुई। ये तो इंग्लिश के वर्ड आ गए आजकल नए नए से, है ना, लेकिन ये शुरू कब से हुआ? ये शुरू हुआ महाभारत के जमाने से। गीता का ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो क्या था? वो सेल्फ मैनेजमेंट तो था। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने गांडीव को नीचे रख दिया कि ये सब तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसको वो सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट का ही ज्ञान था। तो सेल्फ मैनेजमेंट हमारा तब से चला आ रहा है। गीता में 700 श्लोक है, 574 श्लोक श्री कृष्णा ने कहे हैं, 84 अर्जुन ने, 41 संजय ने, और एक श्लोक कहा है धृतराष्ट्र ने। यहां हम श्री कृष्ण की मैनेजमेंट देखते हैं कि शुरू में जब अर्जुन का मोरल डाउन था तो उन्होंने अर्जुन को बोलने दिया, पहले 1.5 अध्याय तक अर्जुन बोले ताकि वो अंदर से खाली हो जाए। पहला लेसन हमें यहां से यह सीखना चाहिए, जब भी कोई हताश निराश व्यक्ति हमारे पास आता है हम इमीडिएट उसको सलाह दे देते हैं, ऐसे ही होता है ना जी, सभी हम ज्ञानी तो है ही, तो हम इमीडिएटली अपना उसको सलाह उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लेसन हम यहां से लेते हैं कि 1.5 अध्याय तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोलने दिया ताकि वो अंदर से खाली हो जाए, जो भी उसके मन में भरा हुआ है वो निकल जाए। उसके बाद अर्जुन ने गीता के अध्याय पर डोमिनेंस करना शुरू करा और अपनी बात रखनी शुरू करी, और 18वें अध्याय तक आते आते अर्जुन में इतना बल भर दिया कि वो युद्ध के लिए तैयार। तो वही श्री कृष्ण जो महाभारत के युद्ध के मैदान में लवफुल नजर आते हैं, वही मथुरा में गोपियों के संग लवफुल नजर आते हैं। तो लव और लाव का ये जो कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि आप सभी का समय भी मुझे ध्यान रखना है, तो फास्ट चल रहा हूं, आप भी मेरे को थोड़ा सा उसी हिसाब से एक्सेप्ट करते जाना और अडॉप्ट करते जाना। तो एक्सेप्टेंस और अडॉप्टेशन आपकी ज्यादा जरूरी है। तो मैनेजमेंट शब्द को हम देखते हैं, मैनेजमेंट शब्द में ही इसका सारा राज छुपा है। चार शब्दों से मिलकर बना है मैनेजमेंट वर्ड, मैन प्लस एज प्लस मैन प्लस टी, राइट, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। व्हाट डज इट मीन? मैन मींस सेल्फ, हिंदी में बात करूं तो मन। तो सबसे पहले हमें अपने सेल्फ को कंट्रोल करना है। एज मींस दैट करेज और मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस। तो हमें सेल्फ को मैनेज करने के लिए हमें वो करेज चाहिए, वो मैच्योरिटी चाहिए, वो एक्सपीरियंस चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है मैन, मैन मींस अदर्स। हमें सेल्फ को मैनेज पहले करना है, अदर्स को मैनेज बाद में करना है। अक्सर करके हम दूसरों को मैनेज पहले कर लेते हैं, इसलिए मैनेजमेंट गड़बड़ा जाती है, बिगड़ जाती है, हमारा कोऑपरेशन दूसरों से बन नहीं पाता क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे हिसाब से मैनेज करें। बट मैनेजमेंट का वर्ड हमें सिखाता है कि हमें सेल्फ को पहले मैनेज करना है, मैन मीन्स अदर्स को बाद में मैनेज करना है, और टी है टेक्निक कि मैनेज करना कैसे है, दूसरों को मैनेज करना कैसे है। तो मैनेजमेंट वर्ड को अगर हम ध्यान से देख लें तो हमें सेल्फ मैनेजमेंट का मंत्र यहीं से मिल जाता है। फिर हमें करना क्या है कि अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि ए टंग हैज नो बोन, इस जुबान में हड्डी तो नहीं है लेकिन ये क्या कर सकती है, हड्डियां तोड़वा सकती है। इट कैन ब्रेक मैनी बोन्स। आपको भीड़ में एक आवाज देनी है कि मारो उसे, तो पब्लिक ने फिर हड्डियां तोड़ देंगे। ए टंग हैज नो बोन बट इट कैन ब्रेक मैनी बोन्स। तो हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये हमें बड़े ध्यान से चलना चाहिए। क्या सुनना है, क्या देखना है, राइट, अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, तभी हम सेल्फ के ऊपर रूलिंग पावर ले पाएंगे। तो इसलिए यहां बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जुबान का वजन तो बहुत कम होता है लेकिन इसे संभाल बहुत कम लोग पाते हैं। ठीक है, तो रोटी कपड़ा और मकान जैसे हमने सुना हमारी तीन जरूरतें होती हैं,
तो मैनेजमेंट में हमारी चार जरूरतें होती हैं। फिजिकल पहली, जो हमारी बॉडी के साथ डूइंग के साथ जुड़ी हुई है, जहां पर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फिजिकल नीड। दूसरी नीड है मेंटल नीड, जहां पर हम साइकोलॉजिकल पावर की बात करते हैं, थिंकिंग पावर की बात करते हैं, माइंड पावर की बात करते हैं, आईक्यू जिसे आप बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट। तो मेंटल नीड। तीसरी नीड आती है सोशल नीड, जहां पर हम ईक्यू की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। चौथी नीड आती है स्पिरिचुअल नीड, जहां पर हम एसक्यू की बात करते हैं। तो पहले ट्रेंड चला करता था आईक्यू किसकी इंपॉर्टेंट है, किसकी आईक्यू ज्यादा अच्छी है, फिर आएगी ईक्यू किसकी अच्छी है, क्योंकि आईक्यू तो लोग बढ़ा लेते हैं लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए हम देखते हैं कि आईआईटी में भी सेकंड रैंक पे आ जाता है बच्चा तो सुसाइड कर लेता है, ऐसे करते हैं ना, सेकंड रैंक पे भी आया तो बच्चा इमोशनली स्वयं को स्टेबल नहीं कर पाया, इसलिए मैनेजमेंट में ईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ईक्यू भी लोगों ने समय के साथ साथ डेवलप कर लिया है, तो एसक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट, कि स्पिरिचुअली हम कितने क्वेश्चेंट हैं, आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को कितना संभाल पाते हैं, क्योंकि समाज जो माहौल है चारों तरफ नकारात्मक हो चुका है, ऐसे में आज हमें अपने बच्चों को संभाल के रखने की जरूरत है, इसलिए एसक्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बच्चों को संभालने की जरूरत है आजकल, क्योंकि हम अपने जीवन में चार चरणों से गुजर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। जो पहली जनरेशन थी हमारे फोर फादर्स, उस जमाने में जो उनके पेरेंट्स ने कहा वो एक्सेप्ट कर लिया जाता था बच्चों के द्वारा, राइट। तो वो इरा था, सबसे पहला इरा जो था वो एक्सेप्टेंस वाला दौर था, जो पेरेंट्स ने कहा बच्चों ने मान लिया। सेकंड जनरेशन में बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं मान सकते, आप जो कह रहे हैं वो हम ऐसे नहीं मान सकते। सेकंड जनरेशन आई डिस्कशन मोड की, उन्होंने कहा हम डिस्कस करेंगे। फिर एक स्लोगन भी आया कि जब बेटे का पैर बाप के जूते में आने लगे तो डिस्कशन होना चाहिए, राइट, बाप को डोमिनेंस छोड़ देनी चाहिए। तो सेकंड जनरेशन आई डिस्कशन बेस्ड वाली, थर्ड जनरेशन आई डिबेट बेस्ड वाली, कि अब हम डिबेट, बच्चे अब माँ बाप से डिबेट करने लगे। पहली जनरेशन में वो एक्सेप्टेंस मोड होता था, दूसरी में डिस्कशन होता था, तीसरी जनरेशन आई डिबेट मोड वाली, कि बच्चे माँ बाप से तर्क करने लगे, तर्क के आधार पर वो एक्सेप्ट करने लगे, कन्विंस होने लगे, सिंपली नहीं। पुराने जमाने में तो शादी भी कर दी बच्चों की तो माँ बाप उस जनरेशन का ठीक है, जहां आपने कर दी थी, आज की जनरेशन मांगने लगी तर्क, डिबेट। लेकिन अब जो चौथी जनरेशन आ रही है ना, ये आ रही है डिनाइल बेस वाली, आज के बच्चे मना करने लगे कि हमें आपके तर्क या लॉजिक से सहमति नहीं है, हमें अपनी लाइफ जीनी है। तो चूंकि जनरेशन बदल रही है, इसलिए जरूरत है कि हम स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी अपने स्वयं को भी बनाएं और अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी बनाएं। तो इस सारे प्रोसेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चेंज मैकेनिज्म, हम स्वयं को चेंज करें। चेंज मैकेनिज्म के तीन पैरामीटर्स हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले चाहिए नॉलेज, वो ज्ञान चाहिए कि हमें चेंज करना क्यों है और चेंज करना क्या है, क्या और क्यों की नॉलेज चाहिए बच्चों को, तभी वो चेंज कर पाएंगे। सेकंड आती है डिजायर, इच्छा होनी चाहिए कि परिवर्तन करें हम अपने अंदर, चेंज लाएं अपने अंदर। और तीसरा एलिमेंट आता है स्किल, हाउ टू चेंज। तो व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज, व्हाट टू चेंज एंड हाउ टू चेंज। जब ये तीनों साइकिल और एलिमेंट पूरे हो जाते हैं तब समझ में आता है एटीट्यूड। तो ये तीनों एलिमेंट जब पूरे हो जाते हैं तब हम अपने अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और यदि हम समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करते तो समय हमें मजबूर करता है चेंज करने के लिए, और जब समय मजबूर करता है तो वो पेनफुल होता है। इसलिए जरूरत होती है कि हम समय रहते स्वयं को चेंज कर लें इस बदलते हुए परिवेश के साथ। लेकिन इस चेंज में हमें रोकता कौन है, इस चेंज करने से हमें रोकता कौन है, Who stops us? इस परिवर्तन की प्रक्रिया में, इस चेंज के मैकेनिज्म में हम स्वयं को खुद ही रोकते हैं, दूसरा कोई हमें नहीं रोकता। हम अपनी सोच को ऐसा बना लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा और वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम स्वयं को ही रोकते हैं, इससे बड़ा कोई हमारा और दूसरा
आइडल नहीं है लाइफ में। क्यों रोकते हैं हम खुद से खुद को, क्यों रोकते हैं? क्योंकि हम स्वयं को कंफर्टेबल फील करते हैं जैसे हम हैं वैसे ही। वी फील कंफर्टेबल जैसा ठीक चल रहा है ना, क्यों चेंज करना है? इसलिए हम चेंज करने में कतराते हैं। दूसरा, हम दूसरों को चेंज पहले करना चाहते हैं कि हम क्यों बदले, वो बदले ना। घर में भी आप दो बच्चों को किसी बात पे झगड़ा कर रहे हो, बड़े को बोलते तो छोड़ दे इस चीज को, बोले मैं क्यों छोड़ू, वो तू बड़ा है ना, तो बोले मैं सैक्रिफाइस करूंगा, ऐसे ही होता है। और छोटे को बोलते तू छोड़ दे, वो कहता मैं क्यों छोड़ दूं, मैंने पहले लिया था, बड़ा सैक्रिफाइस करे। तो हम दूसरों को पहले परिवर्तित करना चाहते हैं, इसलिए हमारे अंदर चेंज नहीं आता। थर्ड रीजन आता है, वी सीक अ रोल मॉडल। हम चेंज करें तो करें किसके जैसा, हम रोल मॉडल ढूंढते हैं कि किसके जैसा हम बने, इसलिए हम चेंज नहीं कर पाते। चौथा रीजन आता है लैक ऑफ क्लैरिटी, कि बने कैसा, किसके जैसा, क्या करें, ये क्लैरिटी नहीं आती। चौथा आता है अनसर्टेनिटी ऑफ, पांचवा अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, क्योंकि आज भविष्य बड़ा अनसर्टेन है, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, तो हम चेंज करने में डरते हैं। तो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर की वजह से हम स्वयं के अंदर चेंज नहीं करते। और फिर नेक्स्ट रीजन आता है वी लिव इन एडिक्टिव सोसाइटी, और फिर एक रीजन आता है कि चेंज इज ए पेनफुल प्रोसेस, इसलिए हम स्वयं के अंदर चेंज नहीं कर पाते। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं आपको। समुद्र में एक बैटल फील्ड यानी युद्ध का जहाज जा रहा होता है, तूफान आता है, रास्ता भटक जाता है। जब तूफान शांत होता तो कैप्टन अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि ऊपर जाकर देखो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपने जहाज की डायरेक्शन को सेट करो। सबॉर्डिनेट ऊपर जाकर देखता है कि उनका जहाज जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है वहां दूर एक फ्लिकरिंग लाइट होती है, डेंजर का सिग्नल आ रहा होता है। तो समझता है सामने से दूसरा जहाज आ रहा है और वो मुझे सिग्नल दे रहा है। तो कैप्टन को बोलता है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं सामने की तरफ से एक और जहाज है और वहां से सिग्नल आ रहा है कि आप अपना रास्ता चेंज कर लो, ऐसा सिग्नल आ रहा है। तो कैप्टन, चूंकि युद्ध के जहाज वाला कैप्टन होता है, वो लड़ाई वाला बैटल फील्ड होता है, तो कहता है व्हाई शुड आई चेंज, मैं तो सो एंड सो हूं, आप उसको मैसेज दे दो कि अपने डायरेक्शन चेंज कर दे। यहां से मैसेज पास ऑन हो जाता है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, वहां से फिर से वापस आता है कृपया करके आप अपने जहाज की डायरेक्शन कितने डिग्री पर चेंज कर लीजिए। कैप्टन को गुस्सा आता है, व्हाई शुड आई चेंज, वापस से मैसेज देता कि आई एम कैप्टन सो एंड सो, मैं अपना रास्ता चेंज नहीं करूंगा, आप अपना रास्ता चेंज करो। वहां से फिर से एक पोलाइट मैसेज आता है कृपया करके आप अपना रास्ता इतने डिग्री पे चेंज कर दीजिए। इसको और गुस्सा आता है, फिर मैसेज देता है कि ये बैटल फील्ड है, ये अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा। वहां से मैसेज आता है ये तो एक लाइट हाउस रूम है, मैं कैसे अपना रास्ता चेंज कर सकता हूं। तो लैक ऑफ क्लैरिटी, वी चेंज अदर्स फर्स्ट, वी फील कंफर्टेबल, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही ठीक है, हमें क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से हम चेंज करना नहीं चाहते। वी वॉन्ट अदर्स टू चेंज फर्स्ट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम अपने अंदर वो चेंज नहीं ला पाते, इसलिए हम बेहतर नहीं बन पाते। कुछ और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये हमारी ईगो हमें चेंज नहीं करने देती, लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, या टीम वर्क हमारे अंदर नहीं है, या अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये सब कारणों की वजह से भी हम अपने अंदर चेंज नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, हम कंफर्टेबल जोन में हैं, इसलिए हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। कोई बच्चा प्यार से सो रहा है कंधे में या गोदी में, वो चेंज चाहेगा कभी? नहीं चाहता। फनी स्टेटमेंट में बोलूं तो केवल एक ही व्यक्ति चेंज चाहता है, वो बच्चा जब उसका डायपर गीला होता है, वो कहता चेंज कर दो। अदरवाइज जिंदगी में अपनी चेंज कोई नहीं चाहता, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसलिए यह एक अच्छी वीडियो थी, चूंकि इसका साउंड सिस्टम नहीं आ रहा तो हम वीडियो को स्किप करते हैं। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम सेल्फ को एम्पावर कैसे करें, हम ये देखते हैं कि हम सेल्फ को एम्पावर कैसे करें। तो ये एक साइकिल है, इसे हम समझें। हमारी थॉट्स डिसाइड करती है हमारे कॉन्शियसनेस को, जो हमारे, मैंने कहा ना, सीड है हमारा, थॉट्स जो है हमारी सीड है। तो हमारी थॉट्स डिसाइड करती है हमारी कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है एटीट्यूड को, फिर एटीट्यूड से परसेप्शन, परसेप्शन से बिहेवियर, बिहेवियर से पर्सनैलिटी, और फिर बनती है मेमोरीज। ये एक साइकिल है, शुरू हुआ हमारे विचारों से, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ या समर्थ, जो भी टाइप के हमारे विचार चलते हैं, हमारा एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और मेमोरी वैसी ही बन जाती है। और फिर मेमोरी कैसे बनती है, मेमोरी बनती है उस इनपुट इंफॉर्मेशन के द्वारा
जो हम कानों के द्वारा या आंखों के द्वारा अंदर लेकर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी इनपुट इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जा क्या रही है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कई कई घंटे हमारे, कई बार आप लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, 60 सेकंड्स की, 30 सेकंड्स की देखते चलते हैं, लेकिन देखते देखते उसको 30 मिनट्स या 60 मिनट्स कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और वो वेस्ट मेमोरी हमारी अंदर स्टोर हो रही है, हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है। तो इसलिए जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये सब जरूरी है हमारे इस साइकिल को पॉजिटिव बनाने के लिए। फिर हम बात करते हैं MIS की। आप लोग भी MIS बनाते हो यहां पर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सेल्फ की भी एक MIS है। सेल्फ की MIS क्या होगी? ऑफिस की MIS तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सेल्फ की MIS होती है माइंड इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियस, यानी कि संस्कार। मन जहां पर हम विचार करते हैं, मन जो हमारा सोचता है, क्रिएटिव काम करता है, जहां पर थिंकिंग पावर है, जहां पर इमेजिनेशन पावर है और जहां पर फीलिंग पावर है, जहां पर आइडिया जनरेशन होता है, ये होता है माइंड का काम। एन आई फॉर इंटेलेक्ट, जहां पर विजडम पावर है, विल पावर है, इवोल्यूशन पावर है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब काम होते हैं इंटेलेक्ट के। फिर आता है सबकॉन्शियसनेस, जहां पर हम एक्सपीरियंस करते हैं। मन जो सोचता है, इंटेलेक्ट उस सोच पर काम करती है, जब हम सोचे हुए काम विचार पर काम करते हैं तो वो हमारा बनता है संस्कार, सबकॉन्शियस। तो ये होती है सेल्फ की MIS। तो इसको हम गौर करें कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और फिर कैसा बनते हैं। तो सेल्फ की MIS हर कोई हम चेक करें। हमारे जितने भी पावर्स है, हमारे जितने भी वर्चुज है ना, ये सब इंटरकनेक्टेड है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। लिसनिंग इज इंटरकनेक्टेड विद डिस्क्रिमिनेशन। जज का क्या काम है? डिस्क्रिमिनेशन करना, राइट रॉन्ग का डिसीजन देना। तो जज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लिसनिंग। तो लिसनिंग करेगा तो डिस्क्रिमिनेशन सही कर पाएगा। तो ये दो पावर्स हमारी इंटरकनेक्टेड होगी। सेकेंड, अवेलेबिलिटी इज इंटरकनेक्टेड विद डिसीजन मेकिंग। ही हैज टू बी अवेलेबल, मेंटली अवेलेबल, इफ ही हैज टू गिव डिसीजन। सो अवेलेबिलिटी आएगी तो डिसीजन मेकिंग साथ साथ आएगी। तो यदि हम कहते हैं ना कि एक बुराई अगर हमारे अंदर आ गई, फर्ज करो हमें सिगरेट पीने की आदत लग गई, तो फिर हम कहते हैं यार ड्रिंक भी कर लेते हैं साथ, ड्रिंक कर लिया तो चिकन भी खा लेते हैं साथ में, तो एक के साथ एक दूसरी आदत जुड़ती चली जाती है। तो यदि हम एक पॉजिटिव आदत उठा लेते हैं, पॉजिटिव आदत के साथ भी दूसरी जुड़ती चली जाती है, ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यदि हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है तो अंदर हमें टॉलरेंस होनी चाहिए, और यदि हमें टीम वर्क में काम करना है तो अडॉप्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम एक भी वर्चुअस, एक भी पावर अंदर उठा लेते हैं तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाता है। सारी इंटरकनेक्टेड है। यदि बुराइयां भी आपस में दोस्त हैं तो अच्छाइयां भी आपस में अच्छी दोस्त होती हैं। किसी एक अच्छाई को अपना लेंगे तो बाकी अच्छाई स्वतः ही हमारे अंदर आ जाती है। हमारे जो विचार चलते हैं वो चार तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। साइंस कहती है, आप लोग तो सब रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं या रिसर्च में काम करते हैं, तो साइंस कहती है कि एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 60,000 संकल्प उठाता है। 60,000 थॉट्स एक नॉर्मल आदमी के एक दिन में उठते हैं। यदि वो डिप्रेशन में है तो नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाएंगे, यदि वो हाइपरटेंशन में तो नंबर ऑफ थॉट्स और ज्यादा हो जाते हैं। तो इन चारों में हम उनको क्लासिफिकेशन करें कि हमारे थॉट्स कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, कितने वेस्ट और कितने नेसेसरी हैं, तो हम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में हमारे थॉट्स ज्यादा होंगे। और एक नेगेटिव थॉट क्या काम कर सकता है कि एक वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक तीली काफी है उन लाखों वृक्षों को जलाकर समाप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार एक आपका नेगेटिव थॉट काफी है आपके सारे पॉजिटिव थॉट के साइकिल को रिवर्स करने के लिए। तो हमारे थॉट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो यहां पर एक वीडियो दिखाता हूं, साउंड भले नहीं आएगा लेकिन हम इसको पढ़कर एंजॉय कर सकते हैं।
एक चाइनीज वुमेन होती है, वो अपने कंधे पर डेली 2 पानी के मटके रखकर और दूर से पानी भरकर घर लाती होती है। उसमें से एक मटके में क्रैक होता है, तो जब वो पानी भर के ले जाती है तो उस क्रैक वाले मटके में से पानी थोड़ा थोड़ा बिखरता रहता है, और एक लंबी वॉक करके जब वो घर पहुंचती है तो उस क्रैक वाले मटके में तो आधा ही पानी पहुंचता है, क्योंकि आता तो लीक हो जाता है रास्ते में। तो 2 सालों तक, लंबे समय तक वो रोजाना यही काम करती रहती है कि एक गरीब होती है, उसका दूसरा मटका होता नहीं, एक मटके में पूरा पानी लेके घर पहुंचती है और एक मटके में आधा पानी। तो जो पूरा पानी पहुंचाता है ना मटका, वो तो अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस करता है कि मैं तो पूरी आउटपुट दे रहा हूँ। हम सब भी आउटपुट पे एफिशिएंसी पे बात करते हैं, तो वो कहता है मैं तो पूरी आउटपुट दे रहा हूँ, बट वो क्रैक वाला मटका बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। तो कहता भी मैं आधा ही पानी पहुंचा पाता हूँ, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। एक दिन रास्ते में वो ओल्ड लेडी को कहता है कि आप मेहनत तो पूरी करती हो पर मैं आउटपुट आज नहीं दे पाता हूँ, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे कारण आप आधा पानी घर तक पहुंचा पाती हो और आधा पानी घर में रास्ते में वेस्ट हो जाता है। तो अब देखिए ओल्ड वुमन कहती है कि डिड यू नोटिस कि जिस तरफ तुम हो क्रैक वाला मटका, उस तरफ फूल खिले हुए हैं। वो क्रैक मटके को कहती है कि आपने नोटिस किया कि जिस तरफ तुम हो उस तरफ फूल खिले हुए हैं, ये फूल सब तुम्हारे ही कारण है, क्योंकि तुम में से जो पानी लीक होता है ना, उस पानी से मैं इन फूलों को डेली सींचती हूँ, इनको पानी देती हूँ, वो पानी वेस्ट नहीं जाता और इन फूलों से अपने घर की शोभा को बढ़ाती हूँ। तो मेरे घर की शोभा तुम्हारे ही कारण है, तो तुम्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए कि तुम आउटपुट आधी देते हो। जो भी तुम करते हो उसकी वजह से मेरे घर की शोभा बढ़ती है। तो कहने का मतलब हम सब में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, हमारे दोस्त हमारे परिवार के लोग भी ऐसे क्रैक पॉट की तरह होंगे जिनमें से कुछ ना कुछ बहता होगा, कम होता होगा। तो हमें हर नकारात्मक चीज में या हर संघर्ष की स्थिति में वो सकारात्मकता देखनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, ताकि हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध एक दूसरे के साथ बेहतर बने रहें। ठीक है, आगे चलें। तो हम अपना सुबह का जो शुरुआत करें, चाय के साथ तो बहुत करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें, पॉजिटिव टी, इसको भी हम टी बोल सकते हैं, पॉजिटिविटी। तो हम अपनी दिन की शुरुआत जो करें वो पॉजिटिविटी के साथ करें, नॉर्मल टी के साथ ना करें। हम हर सुबह जो अपने लिए अलमारी से एक ड्रेस चूज करते हैं, उस समय एक अच्छा थॉट भी चूज कर लें, एक पॉजिटिव संकल्प चूज कर लें कि आज मुझे अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए क्या चूज करना है। बॉडी के लिए ड्रेस चूज करें, डेली आप सेलेक्ट करते हो कि आज हमें यहां जाना तो वैसा पहनना, तो मन के लिए भी एक संकल्प अच्छा चूज कर लें, ताकि हमारा दिन भी अच्छा रहे, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस हमने सारा सीख लिया कैसे इंटरकनेक्टेड है। हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, उसके लिए 7 स्टेप्स हैं कि हम सोचे कम, फील ज्यादा करें, थिंक लेस एंड फील मोर, फियरलेस लव मोर, हमारे अंदर डर कम हो, प्रेम ज्यादा हो, स्नेह ज्यादा हो, कंप्लेंट लेस एप्रिशिएट मोर, गिला शिकवा हम कम करें, शुक्राना ज्यादा करें, एक दूसरे को एप्रिशिएट करें, वॉच लेस डू मोर, हम अक्सर दूसरों को ही देखते ना कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, खुद से काम ज्यादा करें, दूसरों पर जजमेंट देने के बजाय हम एक्सेप्टेंस ज्यादा करें, बातें ज्यादा करने की बजाय सुने ज्यादा, और चिड़चिड़ापन करने के बजाय स्माइल ज्यादा करें। ये 7 हैबिट्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस के मंत्रास हमारी लाइफ में बन सकते हैं यदि हम ऐसा करें तो। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि देखो 4 चीजें हैं जो कभी लौटकर वापस नहीं आती। पहला पत्थर फेंक देने के बाद, दूसरा शब्द कह देने के बाद, तीसरा अवसर निकल जाने के बाद, और चौथा वक्त गुजर जाने के बाद। ये 4 चीजें हैं जो लौटकर कभी आती नहीं, इसलिए हम बुरे वक्त में भी कुछ ऐसा करें कि अच्छा सिला हमें उसका मिले। ओके। और जब हम ज्यादा परेशानी में हो ना, तो एक पुर्तक लास्ट डाउन स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक पानी का गिलास या पानी की बोतल ऐसे हाथ में रख कर टीचर पूछता है स्टूडेंट से, यदि मैं इस पानी का वजन कितना होगा, मेबी 50-100 ग्राम, इस 100 ग्राम की बोतल को मैं 1 मिनट तक ऐसे रखूं अपने हाथ में तो क्या होगा।
स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ नहीं होगा, रख सकते हो, एक मिनट तो रख ही सकते हो, एक घंटा रखना चाहो ऐसे ही हाथ में तो क्या होगा, मसल्स फुल हो जाएंगी, और आठ घंटे ऐसे ही अपने हाथ में 100 ग्राम के वजन को रखना चाहो तो क्या होगा, कितनी मसल्स फुल हो जाएंगी, शायद हॉस्पिटल तक जाना पड़े। तो यदि उस मसल पुल से, उस हॉस्पिटल के एडमिशन से बचना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नीचे रख देना, पुट द ग्लास डाउन। तो उस सारी प्रक्रिया में पानी के ग्लास का वजन तो वही 50-100 ग्राम ही रहा, लेकिन एक घंटे बाद इंपैक्ट दूसरा आया, 8 घंटे बाद इंपैक्ट तीसरा आया, उस इंपैक्ट से बचना है तो पुट द ग्लास डाउन। इसी प्रकार यदि हम किसी भी टेंशन को, किसी भी स्ट्रेस को एक मिनट तक दिमाग में रखेंगे तो शायद रख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक घंटा रखेंगे तो थोड़ी सी मसल्स पुल होना शुरू हो जाएगी, 8 घंटे तक रखेंगे, पूरे दिन तक रखेंगे तो फिर वही हॉस्पिटलाइजेशन वाली नौबत आ जाएगी, हमारे माइंड में वो मेंटल सिकनेस बननी शुरू हो जाएगी, या हम डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएंगे, या हाइपरटेंशन में जाना शुरू हो जाएंगे। तो रात को जब भी सोने जाएं, पुट द ग्लास डाउन, जितनी भी दिन भर की टेंशन हो, स्ट्रेस हो, वरीज हो, साइड में रखें, सो जाए, पुट द ग्लास डाउन। तो टेंशन फ्री होके सो तो सुबह जब उठोगे आप फ्रेश उठोगे, और जब फ्रेश उठोगे तो डेली हमें गार्डनिंग करनी है, गार्डनिंग का शौक काफी होता है, तो किस चीज की गार्डनिंग करें, हम 3 पौधे रोज लगाएं अपने जीवन में, पीस ऑफ माइंड का, पीस ऑफ हर्ट का, पीस ऑफ सोल का, यानी मन बुद्धि संस्कार जो हमने बात करी पीछे, MIS, इन 3 शांति के पौधों को हम रोज लगाएं, रोज सींचे, 4 झाड़ियां भी काटनी पड़ेंगी, फिर जब आप पौधे लगाओगे, गार्डनिंग करोगे तो कुछ बुशेस भी काटनी पड़ेंगी ना, तो कौन कौन सी, स्क्रैश, गॉसिप, गपशप कम करें, इंडिफरेंस यानी भेदभाव, ग्रम्बलिंग यानी चुगली, और सेल्फिशनेस यानी सेल्फिशनेस जो भी आप समझते हैं, इन 4 झाड़ियों को हमें रोज काटना है, तब हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, तब हम स्वयं को मैनेज अच्छे से कर पाएंगे, और हम हमारी इंटरनल पावर को रीडिस्कवर करें, जो भी हमने खो दी है, इंटरनल पावर को रीडिस्कवर करें। आजकल हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त तो है नहीं, हम करें कैसे, खुद की खुद से बात करें तो करें कैसे, एक अच्छी कविता है यहां पर, वक्त नहीं, कि हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं, दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, जिंदगी के लिए भी वक्त नहीं, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं, दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, जिंदगी के लिए भी वक्त नहीं, मां की लोरी सुनने का एहसास तो है, शब्दों पे गौर कीजिएगा, मां की लोरी सुनने का एहसास तो है, पर मां को मां कहने का वक्त नहीं, सच्चाई है कि नहीं है, हमारा जीवन दिन भर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, घर वालों के साथ बैठने का टाइम ही नहीं है, तो मां की लोरी सुनने का एहसास तो है, पर मां को मां कहने का वक्त नहीं, सारे रिश्तों को हम मार चुके, अब उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं, सारे नाम मोबाइल में हैं, पर दोस्तों के लिए वक्त नहीं, गैरों की क्या बात करें जब अपने अपनों के लिए भी वक्त नहीं, आंखों में है नींद भरी पर सोने का वक्त नहीं, दिल है गमों से भरा हुआ पर रोने का भी वक्त नहीं, पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं, प्यारे एहसासों की क्या कदर करें जब अपने सपनों के लिए भी वक्त नहीं, तू ही बता ऐ जिंदगी इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को जीने के लिए भी वक्त नहीं। तो हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे पास वक्त नहीं है, तो ऐसे में जरूरत पड़ती है कि हम खुद की खुद से बात करें, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को डिस्कवर करें, अपनी आत्मा की शक्तियों को हम पहचानें, उन्हें बढ़ाएं। 7 गुण होते हैं आत्मा के, 8 शक्तियां होती हैं, जिसपे दीदी बात कर सकती हैं बाद में, इनको हम नरिश करें, इनको हम एम्पावर करें, और हम चेक करें कि हमारे खुद के संबंध खुद के साथ कैसे हैं, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या ये हमारे नियंत्रण में हैं? यदि हमारे खुद के संबंध अपने से बेहतर होंगे, तब हम अच्छे से परमात्मा के संपर्क में भी जा सकते हैं, मेडिटेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस की तरफ भी जा सकते हैं, और वन विद गॉड और वननेस विद गॉड भी हो सकते हैं। और ये सब हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा संडे बन जाएगा सिन डे,
हमारा मंडे बन जाएगा मौन डे, यानी हम चिड़चिड़े रहेंगे। ट्यूसडे बन जाएगा टीयर्स डे। वेडनेसडे हो जाएगा वेस्ट डे। थर्सडे हो जाएगा थ्रस्ट डे, यानी हम पाने की चाहत में लगे रहेंगे। फ्राइडे बन जाएगा फाइट डे और सैटरडे बन जाएगा शैटरडे। यदि हमारा सेल्फ का मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये वीक हमारा ऐसे बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना कि वो जंगल उगाने की या झाड़ियां उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बगीचे बनाने की जरूरत पड़ती है। यदि हम खुद से खुद को नहीं संवारेंगे तो ये इस तरीके से वो हमारा जो बगीचा है वो खराब हो जाएगा, जंगल में बदल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को कनेक्ट करें उस सुप्रीम पावर के साथ, अपनी बैटरी को चार्ज करें परमात्मा के साथ कनेक्ट करके, कुछ समय मेडिटेशन में बैठें जो दीदी रवि हमें कराएंगी, और उसके बाद हम सभी अपनी जिंदगी में खुश रहें। बड़ी अच्छी लाइनों में यह कहा कि नो वन बोर्न हैप्पी। हंसते हुए तो कोई पैदा नहीं होता ना, होता है कोई? रोते हुए पैदा होते हैं। हम सभी रोते हुए पैदा होते हैं, परंतु परमात्मा ने हमें वो शक्ति दी है, वो सामर्थ्य दिया है, वो बुद्धि और वो विवेक दिया है कि हम जिंदगी भर ना रोएं, हम खुश रहें और खुश रखें दूसरों को। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ, पूरी करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। तो समय की सीमा थी इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ा, क्योंकि मेरे बाद दीदी भी अपनी बात रखेंगी, उसके बाद सर भी अपनी बात रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जो अभी सेल्फ मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, जब हम खुश होते हैं तब सेल्फ मैनेजमेंट चाहिए होता है उस टाइम नहीं होता है ना। लेकिन जब हमारे सामने कोई ऑपोजिट सिचुएशन खड़ी होती है या चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी होती है, सेल्फ मैनेजमेंट उस टाइम सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें शेयर की गई कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसको सिंपल शब्दों में कहूं कि जैसी आंतरिक अवस्था वैसी व्यवस्था। मैनेजमेंट क्या व्यवस्था है ना, तो वो बेस्ट एंड बेस्ट व्यवस्था तब होती है जब हमारी आंतरिक अवस्था अच्छी होती है, राइट? तो जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, वैसे ही आप व्यवस्था कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह आती है, जब मेरे सामने ऑपोजिट सिचुएशन है, ऐसे में मेरी टीम है, यदि मैं मिलूंगा तो क्या होगा? घर में भी हो सकती है वो चीज। ऐसा नहीं है कि सेल्फ मैनेजमेंट सिर्फ एडमिन में इसकी बात की जाती है, घर में भी है ये। तो अगर मैं हिलूंगा तो सारा परिवार हिलेगा, और जहां मैं कंट्रोल कर गया तो बहुत सारी सिचुएशन होने से बच जाएंगी, और जहां मैंने अपनी अवस्था को, स्टेट ऑफ माइंड को लूज कर दिया, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो सिचुएशन भी क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल। फिर अराइज होंगे क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, एक दूसरे के प्रति नाराजगी होगी। लेकिन ये उत्पन्न कब हुआ, ये इसका क्यों हुआ, ये इसका ओरिजिन कहां से हुआ? क्योंकि यहां से कंट्रोल छूट गया था, है ना। तो इसलिए ये जीवन के हर पहलू पर, हर पड़ाव पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसी मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब क्या चीज? सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अब आप ये सोचिए, कोई व्यक्ति गुस्से में आकर के किसी को गोली मार देता है, बाद में उसको जब सजा मिलती है, जब उसको रियलाइज होता है कि बहुत बड़ी गलती होगी, शायद वो एक सेकेंड में रुक जाता तो आज मुझे अपने जीवन को जेल में ना काटना पड़ता, ऐसा ही ना। अगर वो पॉज बटन मेरे पास होता तो शायद इतनी बड़ी मिस्टेक होने से बच जाती। घर में भी ऐसे ही होता है। घर में क्या होती है? वो बुलेट्स नहीं चलती, लेकिन उससे भी खतरनाक बुलेट्स हैं। वो कौन सी है? है ना, पावर पॉइंट में देखा था ना, उससे भी खतरनाक बुलेट्स कौन सी है? शब्दों वाली है, है ना। क्या कहते हैं कि पानी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, लेकिन वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। तो आपको पता है कि वाणी की वजह से ही क्या हुआ था?
रामायण हो गई थी, वाणी की वजह से क्या हुआ, महाभारत के युद्ध हो गए थे, लेकिन वो आज घरों घरों में भी चल रहे हैं, है ना। महाभारत के युद्ध हम घरों में भी देखते हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है, ये वाली बुलेट। तो अगर ये चीज को हम पॉज करके स्टॉप कर लें तो क्या होगा, क्योंकि घर में भी लोगों को जेल लगता है, फिर घर जाना जेल लगता है कि अच्छा वही घर में जाना पड़ेगा, वही फिर कहीं वो बात ना हो जाए, है ना। तो रहना भी कैसा लगता है, मजबूरी में, फिर क्या लगता है कि इससे अच्छा तो घर से बाहर ही रहे, है ना। तो वो घर भी जेल बन जाती है जब ये क्या होते हैं, मुख के बाण जब चलते हैं, मुख से बुलेट्स जब चलती है। तो इसलिए जब हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, एक पॉज बटन एक मिनट के लिए सोच लें कि अगर मैं इस बात के लिए इस टाइम कंट्रोल कर लेता हूं तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन को अराइज होने से मैं क्या कर लूंगा, बचा लूंगा। ये मैनेजमेंट सबसे ज्यादा आती यहां पर काम में, सबसे ज्यादा, है ना। और फिर जिसको मैंने बोला स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इसके लिए आपको बहुत हाई लेवल की चाहिए। क्यों चाहिए, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा जो देवियां थी उनके सामने राक्षस बहुत आते थे, लोगों के सामने नहीं आते थे, किसके आगे आते थे, राक्षस, बड़े बड़े खतरनाक राक्षस, और एक भी नहीं बहुत सारे अटैक करने के लिए आते थे। लेकिन देवियों का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, कभी देखा होगा आपने, है ना, देवियों का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, बड़ा हाई एल्टीट्यूड का था। इस वजह से कोई खतरनाक राक्षस भी आता था तो वो हिलती नहीं थी, है कि नहीं है। तो इसका मतलब आप भी यदि अंदर से जब हिल जाते हैं तो इसका मतलब मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, इतनी है, इसलिए मैं हिल रहा हूं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि लगातार चारों तरफ से क्या हो रहे हैं, अटैक्स होते हैं, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई सिचुएशन के द्वारा, कभी कोई हेल्थ इश्यू आके खड़ा होगा, कभी फाइनेंस इश्यू आके खड़ा होगा, कभी रिलेशनशिप में आके खड़ा हो गया। तो देवियां भी जो राक्षस होते हैं तो उसको वो फेस कम कर पाती हैं जब उनके बराबर की ताकत होती है कि नहीं है। सबसे पहली चीज निर्भयता, वो डरती नहीं है, राइट। कौन सी चीज सीखने की है इसमें, चाहे वो कैसा भी फेस बना के आए, बहुत डराए कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर दें, लेकिन उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये निर्भयता भी तब आती है जब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, बड़ा हाई होता है। और जैसे लास्ट में जो बताया कि ईश्वर के साथ मेडिटेशन, मतलब क्या, उस सुपर पावर के साथ जुड़ना। तो जब आपको पता है कि जब इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथ खड़ी है तो निर्भयता आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरी चीज कि जब हम निर्भय स्थिति में रहते हैं तो सामने वाले को भी क्या लगता है कि इसका मैं इतना कुछ कर रहा हूं, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, इसको कोई असर क्यों नहीं हो रहा, ये अपनी मेंटल स्टेट से डाउन क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि आज के टाइम के लोगों की टेंडेंसी क्या है, नीचे गिराना, डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, है ना। तो ये जो शक्ति है सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा, ये हमें मेडिटेशन से ये सारी पावर्स प्राप्त होती है। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हम इंटरनली पावरफुल हो, लेकिन हम उसका जरिया ढूंढते हैं, है ना। फिर हम मोटिवेशनल लेक्चर्स भी सुनते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन इसका जो ब्रह्मास्त्र है, तो सर्व शक्तियों का स्रोत, जो सारी शक्तियों आपके, आप चाहते हैं कि यदि सर्व शक्तियां मेरे अंदर आए तो वो है डेली का 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन आप कर लीजिए, आप खुद देखेंगे एक महीने बाद आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो ये स्टेट ऑफ माइंड जो जब हिलता नहीं है तो हमारे में ऑटोमेटिकली एक फियरलेसनेस की, एक बोल्डनेस की स्टेट आ जाती है। जब तो कोई भी रिवर्स सिचुएशन मेरे सामने खड़ी होगी, चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी होगी, तो मैं उसका बहुत फियरलेस तरीके से क्या कर सकता हूं, फिर सामना कर सकता हूं। जब मैं कर सकता हूं तो मेरे साथ वाले हैं, तभी तो मैं उनको हिम्मत दे सकता हूं ना, है ना। तो
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फिर जहां अपोजिट सिचुएशंस खड़ी हुई है और जब हम ये कहें कि सिचुएशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, सिचुएशन मुझे नहीं हिला सकती, मैं सिचुएशन को हिला दूंगा, इतनी पावर, राइट? अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो लगता है कि मेरा लक मेरी फेवर में नहीं है, होता होगा ना, मेरा लक मेरी फेवर में नहीं है, फिर हमारी अंदर की व्यवस्था क्या होती है, बिगड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी मन की अवस्था जो है बिल्कुल सॉलिड रहे, रिजिड रहे, अब मैं उसके लिए क्या सोचूं? थॉट प्रोसेस सुना है ना कि थॉट्स यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम करती है कि जब आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि कोई लक मुझे फेवर नहीं कर रहा है, कोई ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य मेरे पास आके खड़ा हो गया है, तो उस समय आप दुर्भाग्य को ही चैलेंज कर दो, राइट? उसको ही क्या कर दो, आप चैलेंज कर दो कि मेरे पास, मैं इस संसार में बहुत क्या हूं, भाग्यशाली हूं, ये दुर्भाग्य तुम्हें मेरे सामने से हटना ही पड़ेगा, राइट? तुम्हें मेरे सामने, अर्जुन भी युद्ध क्यों कर पाया था, क्योंकि उसके साथ कौन था, श्री कृष्ण थे, वो बहुत पावरफुल थे, सर्वशक्तिवान थे, है ना? तो ऐसे ही जब मेरे साथ सर्वशक्तिवान, दुनिया की सबसे बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ में खड़ी हुई है, एक से क्या होता है, दो भले होते हैं ना। अकेले तो आपको डर भी लगता होगा, अकेले जब होते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला हूं, ऐसे ऐसी बातें करते हैं, ठीक है? यहां से भी हमारी सेल्फ मैनेजमेंट क्या होती है, बहुत माइनर माइनर बातों से ना हमारी मैनेजमेंट अंदर की बिगड़ती है, और उसका फर्क आपके रूटीन पर भी आता है। कैसे आता है, ना आपका काम करने का दिल करेगा, ना नींद ठीक से आएगी, ओवरथिंकिंग चलती रहेगी, फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा। आप सोचिए एक सेल्फ मैनेजमेंट जैसे शब्द से कितनी बातें इंटरलिंक्ड है, आपका पूरा जीवन ही इस पर आधारित है, राइट? तो अब जहां ये चीजों से अपने आप को बचना है, बचाना है, क्योंकि जीवन हमें ऐसे नहीं बितानी है, बाय डिफॉल्ट नहीं बतानी है, जैसे चलता है चलते रहो, ऐसे नहीं करना है। तो जब हम इन बातों को नोटिस करके कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो एकदम से हम क्या करें, चैलेंज करें कि हे दुर्भाग्य, आप मेरे सामने टिक नहीं सकते, आपको मेरे पास से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं इस यूनिवर्स में बहुत क्या हूं, लकी सोल हूं, और मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, यूनिवर्सल पावर खड़ी हुई है, राइट? तो वहां से तो हटना ही पड़ेगा ना, दिव्य शक्तियों के आगे जो इविल पावर्स होती है उनको क्या करना होता है, हटना ही है, ये तो निश्चित है ना। विजय किसकी होती है, सत्यता की होती है, जो आपके दिव्य पावर्स है उनकी होती है, राइट? तो ये विश्वास रखना बहुत जरूरी, निर्भयता आप में तब आएगी जब आत्मा क्या होगा, अंदर में विश्वास बहुत मजबूत होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फेथ, ये जब आपका स्ट्रांग होगा ना, तभी आप में ये फियरलेसनेस की स्टेज आती है, ठीक है? और निश्चय, सेल्फ क्या होना चाहिए, सेल्फ लव जिसे कहते हैं, निश्चय। सेल्फ मैनेजमेंट में ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, निश्चय होना, किसमें, स्वयं में भी और यूनिवर्सल पावर में भी। कई बार क्या होता है, मैं कर तो रहा हूं, मुझे अपने में तो विश्वास है, लेकिन पता नहीं लक मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, राइट? ऐसी तरह तरह की बातों से हमारा एनर्जी लेवल क्या होता है, एटीट्यूड लेवल क्या होता है, डाउन आ जाता है, ठीक है? लेकिन आगे से हमें ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंसेस को कट डाउन करना है, क्योंकि आप ऐसे सेंटेंसेस लेंगे तो आपकी पावर इंटरनल कट डाउन होगी, क्योंकि ये सारी इनर एनर्जी जनरेशन है ये, राइट? हमें ये बहुत सबसे विचित्र बात है कि इस कुदरत ने हमें एक नेचुरल रिसोर्स दे रखा है, और वो है विचारों की शक्ति। ये हमारा क्या है, इनर नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, राइट? हम उसको ज्यादातर वेस्टेज में डाल रहे हैं,
या फिर नेगेटिव थिंकिंग में हम उसको स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो एनर्जी अंदर जनरेट होनी चाहिए वो नहीं होती है, और ऐसी ऐसी सेल्फ नेगेटिव टॉकिंग से, सेल्फ ऐसे इस तरीके की बातों से हम अपनी पावर को क्या करते हैं, कट डाउन कर लेते हैं। बहुत बातें हैं, आपको इनफाइनाइट बातें मिलेंगी ऐसी जो आपकी पावर को कट करती हैं। जैसे सामने वाले का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट? वो ऐसे करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कर हो रहा है लेकिन एनर्जी किसकी कम हो रही है, आपकी कम हो रही है, ठीक है ना। तो अब जब अच्छा नहीं लग रहा, उसे बचने के लिए उपाय क्या है कि परमात्मा एक दिन उसको, इसको एक दिन सद्बुद्धि अवश्य मिलेगी, राइट? उसको ऐसे सोच करके काट दो। आपने देखा होगा ना युद्ध होती थी, युद्ध में एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया, ठीक है ना। तो जिसका पावरफुल होता था वो बच जाता था, और जिसका कमजोर होता था वो, तो ये भी मन में क्या चलते हैं, बाण चलते हैं, राइट? तो अब इन बाणों के अटैक से अपने आप को बचाना है, तो वो कैसे बचा सकते हो, जैसे मैंने बताया संकल्प से संकल्प को काटना है। एक्चुअल में वो युद्ध यहां पर भी है, वो युद्ध जो हमने टीवी में देखी है वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग युद्ध तो डेली कहां चलती है, यहां चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये संकल्पों को किससे काटना है, संकल्प से, लेकिन शक्तिशाली संकल्प से। सिंपल संकल्प से, साधारण संकल्प से ना वो बात नहीं बनेगी। तो संकल्प विचार कैसा होना चाहिए आपका, बहुत पावरफुल होना चाहिए, तभी आपका जो नेगेटिव आप पर अटैक कर रहा है वो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए गीता में क्या कहा गया है, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीता उसने जगत को जीता। और जो जगत है ना वो, ये तो आप देख रहे हो फिजिकल आइज से, लेकिन ये पहला जगत क्या है, कहां पर है, ये भी समुद्र है, ये भी हमारा मन क्या है, ये भी क्या, विचारों का समुद्र है, ये हमारी अंदर की दुनिया, अंदर का जगत है ये, है ना। तो ये जो हमने आज तक टीवी स्क्रीन्स पर जो इतनी युद्ध देखी है, ये सब देखा है ना, एक्चुअल में ये घटनाएं कहां की उपज है, यहां की है। तो यहां से सारा सिस्टम चलता है, यहां से ही आपका कंट्रोल हो गया यहां, तो आपकी एनर्जी ना केवल मल्टीप्लाई होती जाएगी, राइट? आप छोटे छोटे डिटर्मिनेशन लीजिए, मैं ये नहीं कहती एक दिन में ही बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन आप डेली छोटे छोटे अपने लिए रेजोल्यूशन लीजिए, छोटे छोटे रेजोल्यूशन ले सकते हो डेली के लिए, कि जैसे आज के दिन, आज उठे सुबह सोचा कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात आ जाए, लेकिन मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी चीज, आज पूरा दिन कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे सबको गुड विशेस देनी है, और जिस दिन आप डिटर्मिनेशन ये रेजोल्यूशन ले लोगे ना, उस दिन आपके सामने 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे जो आपके टेस्ट करने आएंगे कि अब गुड विशेस करके दिखाओ, है ना, अब करके दिखाओ, सोच तो लिया, ठीक है ना। तो ऐसे में ज्यादा टेस्ट होते हैं जब हम क्या ले लेते हैं, डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने कैसा भी व्यक्ति आए उसको गुड विशेस देके भेजना है, चाहे वर्बली हमारा कोई भी आपस में बात नहीं, ठीक ठाक कम्युनिकेशन नहीं है मान लो, लेकिन मन से उसको क्या देते रहे कि आज मुझे पूरा दिन गुड विशेस की गिफ्ट देनी है, टुडे इज माय गिफ्ट डे, ठीक है, टुडे इज माय डोनेशन डे। डोनेशन इज नॉट की ओनली मॉनेटरी डोनेशन की बात कर रही हूं, लेकिन टुडे इज माय, कौन सा गिफ्ट देना है, गुड विशेस का, आज सबको कौन सा गिफ्ट देना, एक स्माइल का, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हम इसकी वैल्यू समझते नहीं है, लेकिन इनके फायदे बहुत है। ये सारी चीजें हमें भगवान ने फ्री में दी हुई है, ठीक है, लेकिन हम इसका इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इसलिए हमें बैंक में मिल भी नहीं रहा है। खुशी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि बैंक में हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। शांति क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, ठीक है ना। तो जब हमने बैंक में डाला ही नहीं और हम एक्सपेक्ट करें कि हम करोड़पति हो,
मतलब वैसे नहीं, लेकिन इंटरनली आज के टाइम में अगर किसी को मन की शांति है ना, तो वो भी करोड़पति से कम नहीं है। आज के समय की बात करो तो यदि कोई आज अपने जीवन से संतुष्ट है, अपना जीवन कम में भी बहुत खुशी से, बहुत प्रेम से अपना जीवन निभा रहा है ना, तो वो एक करोड़पति से कम नहीं है, है ना। तो ये आज के टाइम में ज्यादा अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की। तो ये चीज हमें डेली क्या करना है, छोटे छोटे रेजोल्यूशन ले करके अपने डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाना है। दूसरा, डेली 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। कैसे करना है, अपने आप को जहां पर भी बैठे हो, घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी बैठे हो, आपको सोचना है कि सुप्रीम पावर की शक्तियां मेरे अंदर आ रही है। कहां आ रही है, ये मेरा एनर्जी पॉइंट है, राइट। अब कहीं तो एनर्जी भरेगी ना, ठीक है ना, स्टोरेज हाउस होता है ना, तो ऐसे ही परमात्मा से एनर्जी आ रही है। और वो कहां भर रही है, मेरे इस पूरे शरीर में, इस शरीर का सेंटर एनर्जी स्टोरेज पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। तो उससे सर्व शक्तियां मेरे अंदर आ रही है और वो यहां भर रही है, और मैं दिव्यता से, डिवाइन वैल्यू से, डिवाइन पावर से, हर गुण से, हर शक्ति से मैं भरपूर हो रहा हूं, राइट। मेरे अंदर आपको लगता है कि मेरी एडमिन क्वालिटीज थोड़ी डाउन है, लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी डाउन है, तो मेरे अंदर परमात्मा विशेष एडमिन क्वालिटीज, स्किल्स, टैलेंट्स भर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज वो मेरे अंदर भर रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी इसके यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी मेडिटेशन कमेंट्रीज मिलेंगी आपको। सिस्टर शिवानी को आपने सुना भी होगा कई लोगों ने, तो ऐसी बहुत सारी कमेंट्रीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगी, एक पर्टिकुलरली शक्ति लेने के लिए भी, राइट। तो ऐसे आप डेली प्रैक्टिस करें, रात को सोने से पहले भी और सुबह उठने पर भी, ठीक है। मॉर्निंग आवर्स बहुत लेट आवर्स नहीं, यदि आप 5-6 बजे उठते हैं तो वो टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि वो यूनिवर्स, आपने सुना होगा ना यूनिवर्स, ब्रह्म मुहूर्त मतलब जिस समय यूनिवर्स का टाइम होता है, जब जिस समय यूनिवर्स आपकी सुनता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है, जो कि 3:30 से 5 बजे का टाइमिंग होता है, क्योंकि वो टाइम किसका है, यूनिवर्स का है। और उस समय पे जो संकल्प यूनिवर्स को भेजे जाते हैं वो उनको बहुत फटाफट पूरी करता है, लेकिन उसका प्रॉपर मेथड है ना, तो ये इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ऐसे टाइम पे मेडिटेशन करना, आपका ड्रास्टिक चेंज जो आप सालों से नहीं कर पा रहे होंगे, वो ऐसे टाइम पे करने से महीनों में रिजल्ट आ जाता है। ये बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये सेल्फ एप्लीकेबल है, हम सब इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और मेडिटेशन के इतने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, राइट। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहे, और क्योंकि अब जाने का भी वक्त हो गया है, तो ऐसे हम सेशन होपफुली आगे भी, अगर इफ यू वॉन्ट, एज पर योर डिमांड ही हम आगे आएंगे, राइट। योगा डे पे तो आते ही है, इंटरनेशनल योगा डे पे आए हैं, तो मैं थैंक यू सो मच फॉर सर कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में, कोऑर्डिनेट करने में हमें बहुत सपोर्ट किया। और ये एक्चुअली हमारा एक कैंपेन हमने चलाया हुआ है 10 दिन का, सेल्फ मैनेजमेंट फॉर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे कई प्रोग्राम्स हमने कंपनीज में भी किए हैं, और यहाँ है और भी इंस्टीट्यूशंस में हम कर रहे हैं, तो इसी कैंपेन के अंडर हम यहाँ पर आए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई विश फॉर अ वेरी बेस्ट लाइफ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Self management for administration. So I am really thankful for Brahma Kumaris for understanding the importance of administration. I mean, like in our institute, we know very rarely find that the administration is considered very important, but we know how important it is, because if the administration doesn't function well, how much ever the scientists do, it cannot be successful actually. So first of all, a very big thanks for Brahma Kumaris for understanding the importance of administration and
having this program, not only for PHSTI, but also in general for others. So, secondly, Naveen ji had given a wonderful, awesome talk about self-management. So, he has clearly told us the importance of self-management. Our brain is like a recycle bin in our computer. No? It's all, everything is there actually. Unless and until we manage our brains and start deleting things, I think it'll never work actually. So, the wonderful talk which we had by Naveen ji, let us give him a big hand once again and thank you for that. As usual, Poonam ji, she has been coming here very regularly and thanks for contacting me, and I was very happy that she came forward to do this. It's really wonderful service what they are doing. I was in fact talking to her just before coming here. The number of people who go to them who are find in very difficult situations, they go to them and find a lot of relief actually. So I think it is very important we associate ourselves very closely with Brahmacharis and utilize their resources actually. So I think we should think of a good meditation program. In fact, in the railways it is all very compulsory that all the officers go there for meditation, because all of us are under tremendous stress there. So irrespective of whether you are under stress or not, it is very important to meditate actually. So the power of meditation, the outcome, the benefits of meditation, you will understand only if you meditate. I don't know how many people do meditate here. Raise your hands. Very good, excellent. So I think the Poonam ji has been very very kind enough to offer the services for everybody. Let us give a big hand for Poonam ji for having considered THSTI as one of the institutions for which she can do the service. I hope we have gained a lot through the talks today, and I hope we'll be able to implement it in the daily life. Let us start early morning thinking what we should do. I mean, that is a very important thing actually. Both of them were telling this. Morning, get up in the morning, what are we going to do today? It's a different thing that you come to the office and I tell you to do something else and you'll do that. At least you can plan something. I mean, I also plan and come, but my boss says you do this, change, it doesn't matter. At least you have a plan for the day. Plan for the day, and when you end the day, as Poonam ji was sitting, end the day, you have to just see what all you have done that day. And every day you will have to do something good for some people. I mean, it can be out of the way helping somebody. People come to you for some many reasons. Some small help. At least you can ensure that you don't do bad to others. Please ensure that. If you cannot do anything good to others, don't do anything bad to others. It's very, very important. As she was rightly pointing out, words are very important. And we are in the administration. Every word what we speak is very important. Please have a and everybody is a representative of mine, of my representative, director representative, or your own boss's representative. So every word what you speak is what the administration is. So please do control your words, and this is very, very important actually. So thank you so much once again to the Brahmakumaris and both of you all for having come here. And thank you so much, all of you, for coming here and listening to them. Hope it will all be useful to us. And we hope that we will have a lot more sessions like this. Thank you, Brahmakumaris, once again.